ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶିଳ୍ପ। ରୋଜଗାର ଓ ସ୍ୱରୋଜଗାର ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ ସମ୍ଭାବନା। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ 30,826 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଗା ଋଣ ଆବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। 2018 ମସିହାରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଉତ୍ପାଦ, 2019 ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ଋଣ ଆବଣ୍ଟନ 10 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମି ଆବଣ୍ଟନ ଲାଗି ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଶ୍ରମ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟୁଲ୍କିଟ୍ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ। युवाओं के लिए नए रोजगार और नौकरी की संभावना वाला क्षेत्र बनना बनकर के उभरा है और यह क्षेत्र अपने अभिनव प्रयोग और नवाचार के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश ने 2018 में प्रारंभ की थी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना 2019 में प्रारंभ की थी। यानी जनवरी 2018 और जनवरी 2019 में दो महत्वपूर्ण योजनाएं हमने प्रारंभ की और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसने एमएसएमई की प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग स्थापित कर सकें 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के उस क्षेत्रफल में। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया, देखते ही देखते 10 जनपद इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।